अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अली। आज हम मौजूद है राहत सिनेमा शब्बीर सैंडविच पर। वैसे तो आपने शहर के मुख्तलिफ कोनों पे देखा होगा कि जो सैंडविच के स्टॉल हैं, बर्गर्स के स्टॉल हैं। शब्बीर सैंडविच एक ब्रांड, एक नाम है जो तकरीबन 40 साल से जो है इसी जगह पर मौजूद है। आज हम भी आए शब्बीर सैंडविच पे और विजिट किया है तो काफी तादाद में इधर रश है, जोग दर जोग आवाम आ रही है और इनका सैंडविच खा रही है। अब ऐसी क्या खास बात है इनके सैंडविच में, तो हम लोगों से भी मालूम करेंगे कि उनको इधर का जायका कैसा लगा और इनके ओनर से भी बात करेंगे ऐसा क्या डाल रहे हैं जो लोगों का रश ही खत्म नहीं हो रहा, लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे कोई चीज बट रही हो। तो आज हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ का जो जायका है। वैसे तो शहर में बहुत सारी जगहों पे स्टॉल लगा हुआ है बर्गर का, सैंडविच का, लेकिन इनके जो स्टॉल पे बड़ा रश होता है, तो मालूम करेंगे इसकी क्या वजूहत है। अच्छा, शहर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ बर्गर मिल रहा है, सैंडविच मिल रहा है, आप इस जगह पर क्यों आते हैं? भाई, इसका जो जायका है बहुत ही आला है, हम इसलिए आते हैं। आप काफ़ी रश भी देख रहे हैं, बहुत ही आते हैं दूर दूर से। हम भी जामशोरों से आए खास इस खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए। कौन सी चीज़ इनकी आपको मुनफरिद लगी? इसका जो रायता है बहुत ही टेस्टी है और इसमें जो मसालेदार है बहुत टेस्टी है, आला है। मैं आपको बताऊं, मैं इधर बचपन से आ रहा हूं। पहली दफ़ा हम अपने वालिद साहब के साथ आए थे, तो अभी भी आ रहे तो हमें अपना बचपन याद आता है इधर। अच्छा, इनकी वैसे सैंडविच काफ़ी मशहूर है, आपको खास बात क्या लगी? हमें रायता इनका बहुत अच्छा लगता है और सलाद वगैरह। आप बताएं, इस महंगाई में 60 रुपए में क्या मिलता है? हमें इधर खाने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है, एंजॉय भी अलग से हो जाता है और जो हमारा बचपन है वो भी ताज़ा हो जाता है। तो पहले ये था कि वालिद साहब लेके आते थे, अब वालिद साहब को हम लेके आते हैं इधर। मैं दादू से आया हूँ, मगर मैं 23 साल पहले जब यहाँ पढ़ता था स्टूडेंट में, तो मैं यहाँ से गुजरता था, भाई को मैंने यही बताया, तो मैं यहाँ बर्गर खाता था। अभी भी वही 23 साल पहले वाला जायका वही मेंटेन है, तो यहाँ से गुजर हुआ कि मैंने कहा उसका जो ना याद ताज़ी कर लेते हैं जो 23 साल पहले हम बर्गर खाते थे, तो आज भी उसी वजह से जो ना इधर बर्गर खाने आए। जायका के बहुत अच्छा जायका है, तो इसीलिए जो ना हम 23 साल के बाद भी इधर आए, समझे जायका होगा ना। मतलब वेजिटेरियन के हिसाब से उसमें दाल और मसालों का जो जायका है वो वही है, अब तक वही है, एक मयारी जायका है जो कि अच्छे एक बन कबाब या बर्गर में कहा जाए होता है वही है। 28 से 30 साल हो गए हम लोग खाते हो रहे हैं, वैसे ही का वैसा ही है का। बस एक जो चटनी और उसके साथ एक रायता और सलाद, ये हर जगह पे नहीं होता। जो एक टमाटर का स्लाइस होता है और प्याज होती है कटिंग में, चटनी, रायता, ये जो चीज़ें हैं उसका एक अलग टेस्ट है, वो जो कि हर जगह पे कॉमनली नहीं होता। आप बाकी जगहों पे जाओगे तो वो एक आर्टिफिशियल सी एक ऑरेंज टाइप की केचप होती है वो दे देते हैं, हर जगह पे ऐसा रायता नहीं होता जो इनके यहाँ होता है। बहुत अच्छा है इनका यहाँ का जायका ना, कहीं और इतना जायका नहीं है जितना जायका इन लोगों का है, और इनकी सर्विस भी अच्छी है माशाल्लाह से बहुत। इनका जायका सबसे अच्छा है और दूसरा पैसे भी मुनासिब हैं और साफ़ सुथरा काम करते हैं हम। इनका जब 6 रुपए का सैंडविच था जब से खा रहे हैं, आज माशाल्लाह 60 रुपए का, पूरे हैदराबाद में 60 रुपए का सैंडविच नहीं है, 90 रुपए, 100 रुपए, इनका सैंडविच सबसे अच्छा है। आप क्या कहेंगे ये बताएं कि किसके लिए लेके जाएं? ये एक मेरे लिए, अपने एक वाइफ के लिए। मैं अक्सर इधर बच्चों को लेके आता हूँ अपने साथ सैंडविच खिलाने, और इसका रेट मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब है दूसरों की निस्बतन, और जायका बहुत अच्छा है। जो आज से कई साल पहले पूरा जायका था वो भी आज तक बरकरार है, पहले 5 रुपये का था, आज ये 60 रुपये का हो गया, और ये इसी वजह से मशहूर है। अल्लाह ताला इनमें कामयाबी दे और आगे से बढ़ने की तौफीक दे। जी, हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद है काशिफ साहब। हम काशिफ साहब से भी मालूम करेंगे कितने सालों से ये स्टॉल लगा हुआ है और क्या ऐसी खास बात है जो इतनी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग पीछे चले आ रहे हैं, तो हम इनसे मालूम करते हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा कितने साल हो गए आपके इस स्टॉल को? 50 साल हो गए भाई। अल्लाह की मेहरबानी है भाई, हमारे कोई ताकत नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी। क्या क्या मसाले डालते हैं आप इसमें? प्याज होती है, टमाटर होता है, रायता होता है, अंडा होता है, मसाला बनाते हैं अपना अलग से, वो बता नहीं सकते। अच्छा, दूसरी जगहों पे महंगे भी है, आपके पास जो इसकी रेट कीमत आपने क्या रखी है? 60 रुपये। ये 100 का भी बेचेंगे बिकेगा भाई, नाजायज़ नहीं करते, 60 रुपये का जायज़ है। जी, आपने काशिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, इसके जो रेट है बहुत मुनासिब है, 60 रुपये जो हर इंसान आराम से खा सकता है।
क्या लजीज जायका है। मैं समझता हूँ कि इतना सस्ता बर्गर और इतना मयारी बर्गर इतनी कम कीमत में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप भी एक दफ़ा आएँ और शब्बीर सैंडविच पे सैंडविच खा के इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने बच्चों के लिए भी लेके जाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।